ओम श्री परमात्मने नमः। आइए श्री दत्त लहरी के 11वें श्लोक से आगे का पाठ करते हैं। सुधा सिंधौ तुईपे कनक लतिके कल्पकवने वितानैर्मोक्ताढ्यैर् नवमणिमये मण्डपवरे अशेषैर्माणिक्यैः खचित हरिपीठे न कुहरे उताशारे ध्याये तव परममूर्तिं निखिलदां धराधाराधारे भूतवः पुरे धीसगणपम् विधिं श्रीशेषौ वा नलपवनव्योमानि हृदये युतौ जीवात्मानवधिकमवमत्या प्रविशते विधत्ते जाये त्वं परिकलितवामेन वपुषा सहस्रारे नीरे रुहि सकलशीतांशुललिते सहस्रे हंसं यः स्फुटमपि भवन्तं कलयते सुषुम्नावरतिन्यां तव चरणपीठेन्दुसुधया प्लुतो भीत्वा ग्रन्थि त्रयमृतरूपो विचरति तवाधारे शक्ति स्थित कमल करमाद्यभिवृते महापीठे वैश्व नरपुरमरोद्गेहनिलये धराव्योमाकल्पे सुरमुनिमहेन्द्राद्यभिनुतम् महातेजो राशिं निगमनिलयं नौमि हृदये भवत्पादाम्भोजं भवजलधिपोतं भजति यो महासंसाराब्धिं तरणि तरति तेव निगमः इहामोत्रात्रातुं तव चरणमेवात्मशरणं भवेद्धीरो वाहं कृति परमनस्कोयमधुना यथा दारुष्वग्निर्निवसति तथा देहनिकरे प्रविश्य त्वं चैको बहुविधैवाभासिति तथा चलन्नीरे चन्द्र शतविधैवाभाति गुणतो न चैतचन्द्रे स्यात् न च शतविधातापि चपलम् दरिद्रो वा मूढ कठिनहृदयो वापि भवताम् दयापात्रं स्यात् चेत् भजति महतामाप्यधिकताम् न विद्यारूपं वा
नकुलमपि वा कारणमभूत् महत्त्वे सेवैका तव पदयुगाम्भोजकलना न ते कारुण्यं स्यात् सकलगुणवानाप्यगुणवान् भवत्कारुण्यं स्यादगुणगणपोरुगुणवान् यथापत्यौरक्ते यदपि च विरक्ते च युवतौ अरिथा सुन्दरयं स्यात् सकलमपि तेनोग्रहवसा अनाथे दीने मयि द्यधिगत भवत् पादशरणे शरण्य ब्रह्मण्य प्रथित गुण सिंधो गुरुदयां महातेजो वार्धे सुखसुकृत महीम नैव सततम् पुरा पूर्णैर्हीनं पुरुषमुपकुर्वन्ति कृतिना महाश्वेतद्वीपे मरुतरुगणात्यन्तरुचिरे मणेपीठाम्भोजे नलशशिखगान्तरनिवसितम् गदाचक्राजासि प्रसृतकरपद्मं मुररिपुं सधन्यस्त्वां ध्याये परतरचिदानन्दवपुषं सधन्यस्त्वां ध्याये परतरचिदानन्दवपुषम्।